शक्ति की दवाइयाँ और थोड़ी दुखाव की दवाइयाँ भी दी हुई थी और उनको खास करके समझाया था ऊपर वाली जो दवा है वो बंद मत करना छः महीने के बाद में वो लोग वापस आए उन्होंने बोला नहीं कोई कंट्रोल नहीं है दो महीने में एक बार पहले जैसे ही फिट्स आ रही है तो मैंने बताया पूछा कौन सी दवा ले रहे हैं उन्होंने मेरे को दवा बताई वो शक्ति की दवा चालू थी उस टाइम मैंने एक लेसन सीखा कि जब भी कभी कोई प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हों तो शुरू में एकदम ज़रूरी दवा लिखनी चाहिए सिंगल दवा उसके साथ अगर दूसरी दवा की ज़रूरत हो तो उनको आप अलग पेपर पे लिख दो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी अब दूसरा पार्ट दूस एक चालीस पैंतालीस साल का आदमी जिसको हेमरेज हो गया था कोई नर्सिंग होम में एडमिट था पेशेंट तो वहाँ से काफ़ी अच्छा हो गया था वो लोग घर पे भी चले गए थे पर बाद में घर पे जाने के चार पाँच दिन के बाद में उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी कि यहाँ तक कि वो उठ के बैठ नहीं पा रहा था खड़ा होने का तो दूर की बात है वो लोग उसको पकड़ पकड़ के बिठा के कोशिश कर रहे थे चल भी नहीं पा रहा था वो लोग लो मेरे पास लेके आए मैंने जब देखा तो मुझे ही लगा शायद कोई दवाइयों का डोज या कुछ प्रॉब्लम दिखती है पहले उनकी दवया चेक कर लेते हैं तो मैंने उनको पूछा कौन सी दवया ले रहे हैं तो बोले अभी हमने नक्की किया आपका ही इलाज करेंगे इसलिए हमने सब दवैया बंद कर दी है सिर्फ दो दवाया जो एकदम ज़रूरी बोली है वो चालू है बाकी कौन सी तो बोले दो बॉटल्स की दवा है तो मुझे लगा और कुछ ना कुछ गड़बड़ है मैंने बोला आप बताओ दवा तो लाए नहीं बिल्कुल व्हाट्सअप मंगा लो तो मंगाए तो ये दो दवाइयाँ थी जो इसका नाम है फिनीटोइन ग्रुप की और ये दोनों बॉटल्स थी उनके पास में ये दोनों बॉटल्स एक प्लास्टिक की है एक ब्राउन कलर की है दिखने में बॉटल्स अलग है दोनों के अंदर की दवाइयाँ एक ही है फिनीटोइन और ये दो दवाइयाँ मिलके उनको दवा का ओवर डोज हो रहा था उस और जब दवाइयों का खास करके फिट्स की दवाइयों का ओवर डोज हो जाता है तो संतुलन जाता है और फिर बाद में तो पेशेंट खड़ा भी नहीं हो पाता है उसके बाद भी प्रॉब्लम पड़ गई तो कभी बेहोशी भी हो जाती है तो उनको बोला भाई एक काम कीजिए आप दवा बंद कर दो तो वो लोग तो बहुत डर गए थे बोले ऐसे कैसे हमें तो बोला ये दवा नहीं बंद करनी है मैं कि, देखो ये दोनों दवाया एक ही है अंदर की दवा एक है बॉटल्स अलग अलग है मैं कि कोई भी डॉक्टर ऐसे लिखेगा नहीं बात क्या है बताओ तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के अंदर हमें ये जो वाइट कलर की बॉटल बो, है उसमें से दवाया लिख दी थी और छुट्टी दी तब दूसरे बॉटल की दवा लिख दी थी और दोनों दो, ही वक्त डॉक्टर ने यही बोला था ये दवा बंद नहीं करनी है पर मैंने बोला भाई दोनों दवायाँ एक ही है एक चीज़ सीखी कि आपके लिए भी मेरे लिए भी पेशेंट की दवाइयाँ बॉटल्स जो भी आप खुद चेक करो तो प्रॉब्लम नहीं होगी अब पार्ट तीसरा काफ़ी बार क्या हो जाता है पेशेंट दूसरी दवाइयों के साथ में आयुर्वेदिक दवा भी ले लेता है उनको लगा उससे बहुत अच्छा होता है ये प्रॉब्लम डायबिटीज के पेशेंट के बहुत बार आती है वो डायबिटीज़ की दवा लेते रहते हैं कोई बोल देता है ये करेला का पाउडर ले लो या ये आयुर्वेदिक फाकी है ले लो इससे कोई नुकसान नहीं होता है पर काफ़ी बार दोनों दवाइयाँ मिलकर शुगर घटने लग जाती है या काफ़ी बार आप फाकी विकी लेते रहते हो उसके कारण दवाइयाँ शुगर कंट्रोल में रहती है फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर बोलते हैं भाई डबल दवा मत लो आप वो दवा बंद कर देते हो एकदम शुगर बढ़ी हुई रहती है तो मुझे लगता है जहाँ तक हो सके दो दवाओं का मिक्सचर मत करो सेम प्रॉब्लम एपिलिप्सी की दवाओं का आता है डबल दवाइयाँ हो जाती है ब्लड लेवल बहुत बढ़ी हुई मिलती है काफ़ी बार क्योंकि आप आयुर्वेदिक भी ले रहे हैं हमारी भी ले रहे हैं पेशेंट भी साइड इफेक्ट्स के साथ बैलेंस जाने के साथ आता है और मैंने तो एक दो बार ब्लड चेक करा के देखा है उसमें हमारी दवा की मात्रा मुझे बहुत ज़्यादा मिली थी जब पेशेंट ने एडि, एडिशनल आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी शुरू की थी पार्किंसन के पेशेंट का सेम प्रॉब्लम एक्चुअली जो लिहोडोपा हम लोग देते हैं वो लोग भी उसी टाइप की दवाइयाँ देते हैं जड़ी बूटी की देते हैं सही है पर अल्टीमेटली तो दोनों साथ में मिलेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स तो आएंगे ही फिर जब कोई नई दवा चालू करनी होती है समझो आपको वॉल की तकलीफ है आपके हार्ट के धबकारे भी अनियमित हैं उसके लिए आपको एंटीकोगुलेंट यानी खून पतला करने की दवाइयाँ चालू है उसके साथ एक्चुअली वॉल के पेशेंट जो हैं उनको फिट्स आने का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होता है अगर फिट्स आ गई है तो फिट्स की दवाइयाँ साथ में आपने शुरू कर दी है तो बहुत बार खून पतला करने की दवा मात्रा कम हो जाती है कभी फिट्स की दवा की मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है तो ये दोनों का समन्वय हो ऐसी फिट्स की दवा शुरू करना ज़रूरी होता है इसलिए आपको डॉक्टर को बताना जरूरी है कि भाई मेरे को वॉल की तकलीफ है ये दवा चालू है नहीं तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी सेम प्रॉब्लम सपोज आपको एपिलेप्सी की बीमारी है शादी हो गई है आप गर्भ निरोधक गोलियाँ लेना चाहते हैं गायनेक के पास गए गायनेक को आपने बताया नहीं मेरे को एपिलेप्सी है तो उसको भी नहीं पता है कि आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं और उन्होंने गर्भ निरोधक दवाया शुरू की तो कभी वो दवैया फेल भी हो सकती है और कभी फिट्स भी आ सकती है इसलिए दोनों के बीच में समन्वय होने के लिए आपको डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है मेरी पहले से ये दवा चालू है सेम प्रॉब्लम अगर एच का पेशेंट हो कैंसर का हो और आप दूसरी कोई दवाया शुरू कर रहे हो तो आप डॉक्टर को बताइए कि मैंने ये नई दवा शुरू की हुई है इसके साथ ये मेरी पुरानी दवायाँ चल रही है दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना एक्चुअली एक एग्जाम्पल मेरे ध्यान में आ रहा है एक हेडीजोरी के पेशेंट को यही फिनीटोइन गोली चालू थी और उसकी वाइफ उसको लेके आई तो पेशेंट बैठ भी नहीं पा रहा था कंटिन्यूस झटके ऐसे आ रहे थे एक सेकंड भी पेशेंट चुप नहीं रह रहा था पेशेंट बोल रहा था मतलब फिट्स नहीं है खाना भी उसकी वाइफ बोले हम खिलाते तो तो खा पा रहा है मैंने लगता पर क्या बात है मेरे को सब दवया तो बताओ क्या वो क्यों ऐसे हुआ दवाइया जब चेक की और बाद में मालूम पड़ा पेशेंट को बैक हो रहा था और कमर के दुखाव के लिए उसकी पहले एक घोड़ी दी थी गैबा पेंटिंग ग्रुप की फिर बाद में दूसरी दी थी बाद में वही घोड़ी डॉक्टर ने तीन कर दी थी ऑर्थोपेडिक वाले को मालूम नहीं था कि इसको ये भी प्रॉब्लम है और ये दूसरी दवाइयाँ चालू है और ये तीन घोड़ियाँ और ये फिट्स की दवैयाँ दोनों लेने के बाद में उसकी दोनों ही दवाइयों की शायद मात्रा इतनी बढ़ गई कि उसका साइड इफेक्ट बोल के उसको ये झटके आने शुरू हो गए थे नेचुरल है वो दवैया बदली करने के बाद एडजस्ट करने के बाद प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी इसलिए कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले के बीमारी के बारे में या तो उनको बताइए या जो ओरिजिनल आपकी बीमारी के लिए डॉक्टर ट्रीट कर रहा है उसको आप जो नई दवाइयाँ ले रहे हैं उसके बारे में बताइए दवा कब लेनी चाहिए थायराइड की गोली मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल सारी दुनिया को पता है सुबह भूखा पेट लेनी है हमारे रिसर्पनिस्ट भारती ने बोला और मेरी भाभी का थायराइड 100 माइक्रोग्राम से भी ऊपर सॉरी 100 माइक्रोग्राम की गोली ले रहे हैं फिर भी उसका टी एस ही सिक्सटी से ही ऊपर गया मैडम क्या बात है दवा बढ़ा दूँ तब तेरी दूसरी रिसेप्शनिस्ट ने बोला अरे भारतीय ऐसे क्या कर रही है पहले पूछ दवा कैसे ले रही है और जब पूछा गया तो उसकी भाभी चाय पीने के बाद दवा ले रही थी अरे बाप रे थायराइड की दवा कभी भी आप दूध के प्रोडक्ट के साथ या आयरन के साथ या खाने के बाद में नहीं लेते क्योंकि उसका एब्सप्शन साठ सितर टका कम हो जाता है थायराइड की घोड़ी सुबह उठ के भूखा पेटी लेनी है उसके आधे पौने पौने घंटे एक घंटे के बाद में आप दूसरी चीज़ ले सकते हो वही चीज़ होती है आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई बोल के काफ़ी बार बीस पॉसमोन एकदम की गोलियाँ चालू करते हैं वो भी गोड़ियाँ सुबह उठ के भूखा पेट लेनी होती है और उसके बाद आपको बैठना पड़ता है नहीं बैठोगे तो वो एसिड ऊपर चढ़ गया और रिफ्लक्स होकर प्रॉब्लम हो जाती है थर्डली टीबी की एक गोली है जो आपको भूखा पेट लेने को डॉक्टर बोलते हैं काफ़ी बार पेशेंट क्या हो जाता है कि मेरे को पेट लेने के लिए एसिडिटी की दवा भी बोली है टीबी की दवा भी बोली दोनों गुड़िया साथ में पेट ले लेते हैं और अगर आप दोनों गुड़िया साथ में भूखा पेट ले रहे हो तो एसिडिटी की दवा टीबी की दवा को एक्सॉर्व होने देगी कि नहीं पता नहीं है सो मुझे क्या लग रहा है जैसे एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारियाँ है कि जिसके लिए आपको दवाइयों का डोज पूरा बराबर पेट में जाना जरूरी है उसके लिए अगर जो पेट बोली है ना तो वो दवाइयाँ सबसे पहले पेट ले लीजिए फिर दूसरी दवाया काफ़ी बार क्या हो जाता है अपने यहाँ एसिडिटी की दवैया लोग इतनी ज़्यादा खाते हैं कि एसिडिटी की दवा ले ली बी ले लिया आयन ले लिया अब ये सब दबैया साथ में लोगों के बी ट्वेल आयन का एक्सॉर्प्शन साथ में होगा ही नहीं क्योंकि बी के लिए आयन के लिए थोड़ा तो एसिड चाहिए होता है एक्सॉर्ब होने के लिए ऐसे ही है कैल्शियम का और आयन की गोड़ी वो दो गुड़ी आप साथ में नहीं ले सकते अगर कैल्शियम में आयन लोगे तो दोनों एक दूसरों को एक्सॉर्ब होने ही नहीं देगी तो आपको दोनों ही दवा नहीं मिलेगी तो आपको कौन सी दवा कौन से टाइम पे लेना है बहुत अच्छी तरह से समझाना समझा के लेना बहुत जरूरी है ये जो आपकी आदत है कि भाई हर दवा दूध के साथ ले लें ऐसे नहीं होता है अब दवा कब बंद करनी है काफ़ी बार आपको एक कोर्स लिख के देते हैं डॉक्टर तो आप डॉक्टर को फ़ोन करके पूछते हो डॉक्टर दवा क्या करूँ दवा ख़त्म हो गई डॉक्टर को नहीं मालूम होता है क्या दिया है क्या नहीं तो वो काफ़ी बार बोलते ठीक है आओ तब तक चालू रखो तो वो और टाइम पर अगर आप फ़ोन करो तो काफ़ी बार प्रॉब्लम आ सकती है फिर काफ़ी बार क्या हो जाता है अभी मेरे लखवा के पेशेंट है उनको डायबिटीज़ की दवा चलती है ब्लड प्रेशर की चल रही है और समझो खून पतला करने की भी चल रही है एंटीप्लेटलेट भी चल रही है और वो लोग चार पाँच दिन लेट आते हैं तो काफ़ी बार दवा ख़त्म हो गई बोल के दवा बंद करके बैठते ये इसेंशल दवाइयाँ है ये दवाइयाँ बंद नहीं होती तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी दवा हम बंद नहीं कर सकते कौन सी दवा बंद करने से प्रॉब्लम नहीं होगी फिर तीसरा एग्ज़ाम्पल कोई को अगर छोटी उम्र में ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ हो गया तो उन लोगों को नेचुरल ए नहीं अच्छा लगता अभी इतनी छोटी उम्र से दवैया कैसे ले तो वो लोग काफ़ी बार क्या थोड़ी दिन दवा ले लेते बहुत परेजी करते बहुत चलना बहुत खुराक का कंट्रोल सब करते हैं तो काफ़ी बार उनकी बीमारी पूरी कंट्रोल में आ जाती है इवन दवैया बंद करने के बाद भी कंट्रोल में रहती पर वो कंट्रोल आप ज़िंदगी भर नहीं टिका सकते और उसके बाद में बीमारी कब ऊपर आती है मालूम ही नहीं पड़ता और चेकअप नहीं कराओगे तो आइडिया नहीं आती इसलिए जब आप दवाइयाँ बंद कर रहे हो तो उसके बाद में आपको पीरियोडिक चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है कि बीमारी वापस ऊपर ऊपर तो नहीं आ रही है ना बोल के थर्डली क्या होता है कोई को डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर के काफ़ी पेशेंट बोलते हैं दस साल पहले मैंने आपको दिखाया था आपने ये बी की दवा दी थी अभी तक चालू है और ये बी की दवा दस साल से चालू है पर आज तुम्हारा बी बहुत ज़्यादा है क्यों क्योंकि बीच में आपने चेकअप कराया नहीं और दवाइयाँ एडजस्ट कराई नहीं तो पीरियोडिक चेकअप करना बहुत ज़रूरी है आपको जो भी बीमारियाँ है डायबिटीज दा, है या ब्लड प्रेशर है तो पीरियोडिक चेकअप कराना ज़रूरी है जैसे आपकी उम्र बढ़ती है कभी दवा की मात्रा कम भी करनी पड़ती है कभी दवाइयाँ बढ़ती भी जाती है कभी लीवर का असर हो गया कभी किडनी का असर हो गया कभी दूसरी कोई प्रॉब्लम हो गई तो दवाई की मात्रा कम हो जाती है कभी आप स्टीरोयड ले रहे हो बीपी की डायबिटीज़ की दवा बढ़ानी पड़ती है तो सब दवाइयाँ आप खुद के खुद नहीं एडजस्ट कर पाते हो उसके लिए आपको बहुत बार आपके डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है इसलिए आपकी दवाइयों के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है यह चीज़ मैंने आप लोगों से ही सीखी है और ए बात जो भी है ए बोध मैं आप लोगों को वापस देना चाहती हूँ थैंक यू